उदयनगर थाना क्षेत्र के मुहाड़ा घाट की खाई में जली हुई कार की गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही। इस कार में एक जला हुआ नरकंकाल भी मिला है। नंबर प्लेट से तो ये पता चल गया कि कार इंदौर का एक होटल संचालक राजेश परिहाल लेकर निकला था, लेकिन उसके साथ दुर्घटना हुई है या अनहोनी इसका पता भी नहीं चल पाया है। हालांकि उक्त होटल संचालक राजेश की गुमशुदगी इंदौर के चंदनगर थाने में दर्ज है। वहीं इस मामले में एक नया मोड़ तब आया जब कार के पास बाइक और हेलमेट के जले हुए अवशेष भी मिले। देवास SP के अनुसार अब DNA टेस्ट करवाया जाएगा, जिससे कि मृतक की शिनाख्त होने से लेकर अन्य और भी जानकारी पुलिस को मिलने की संभावना है। मोहड़ा घाट पर एक 100 फीट गहरे गड्ढे में एक डेड बॉडी जो थी जली हुई अवस्था में मिली है, और वहाँ कार भी एक जली हुई अवस्था मिली है। तो कार के नंबर से हमने ट्रेस किया है, वो एक इंडिका विस्टा कार है जो अशोक प्रजापति के नाम की गाड़ी है, और जब उससे ट्रेस किया तो पता चला है कि राजेश परिहार नाम का एक व्यक्ति है, जिस पर 4 फरवरी को उसका गुम इंसान दर्ज है थाना चंदन नगर इंदौर में।